और छात्रों को फर्जी डिग्री बांटने वाली हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कई बड़े खुलासे हुए हैं। यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर सुभाष चंद्रा के जी समूह की हिमगिरी यूनिवर्सिटी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के पीड़ित छात्रों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष चंद्रा और पूर्व वाइस चांसलर समेत 8 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के पैट्रन रहे सुभाष चंद्रा और उनकी कंपनियों पर लगा है सनसनीखेज आरोप। हिमगिरी यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बड़ा खुलासा किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी प्रेस रिलीज जारी कर सुभाष चंद्रा और हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। हिमगिरी यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर के हलफनामे और वकील प्रशांत भूषण की प्रेस रिलीज के मुताबिक हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी छात्रों को फर्जी डिग्री बांट रही है। हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल सुभाष चंद्रा के जी समूह की दूसरी कंपनियों को गैर कानूनी तरीके से आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। जी लर्न लिमिटेड पर हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी की गलत मान्यता दिखाकर 110 करोड़ रुपए ग्लोबल डिपॉजिटरी के जरिए उगाहने का भी आरोप है। आरोप है कि पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों से साठगांठ करके हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी और जी के अधिकारियों ने गलत जानकारी और दस्तावेज पेश करके 70 करोड़ रुपए का लोन पास करवा लिया। आरोप है कि सुभाष चंद्रा की जी एंटरटेनमेंट कंपनी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 9 करोड़ रुपए हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी के खाते में जमा कर टैक्स चोरी भी की। आरोप है कि गैर कानूनी तरीके से हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी ने गोवा के विद्यावर्धन इंस्टीट्यूट को मीडिया आर्ट और क्रिएटिव आर्ट जैसे कोर्सेज चलाने की मान्यता दे दी, जिसके बाद सीबीआई ने हिमगिरी यूनिवर्सिटी और विद्यावर्धन इंस्टीट्यूट के खिलाफ जांच कर चार्जशीट फाइल की। पूर्व वाइस चांसलर के मुताबिक एसएल समूह के चेयरमैन लंबे वक्त तक यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं। आरोप है कि हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी यूजीसी की मान्यता न होने पर भी ऑनलाइन कोर्सेज को बिना अनुमति एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में संचालित कर रही है। हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी पर अभिषेक अस्थाना के फर्जी दस्तखत कर छात्रों को सर्टिफिकेट डिग्री देने का आरोप है। हलफनामे में जिक्र है कि 16 मई 2008 को यूजीसी ने हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी को गैर कानूनी सेंटर बंद करने के लिए पत्र भी लिखा था। हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी ने देहरादून में 50 एकड़ जमीन राज्य सरकार से कौड़ियों के दाम ली और सरकार को कई साल तक लीज रेंट नहीं दिया। पीड़ित छात्रों की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका पर सुभाष चंद्रा, हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी और बाकी सभी पक्षों को 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। मामले को लेकर एक याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में भी लंबित है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।